केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विकसित भारत का ये केंद्रीय बजट समावेशी प्रभावशाली है। विनिर्माण और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री ने 9 प्राथमिकता वाले विषयों पर काम किया है। इनमें से एक है विनिर्माण और सेवाओं को मजबूत करना। साथ ही क्या कुछ कहा सुनिए। और साथ ही साथ हमारे युवा युवतियों को, हमारे गरीबों को, हमारे किसान अन्नदाताओं को, हमारी नारी शक्ति को, हर एक वर्ग की चिंता करते हुए भारत को एक विकसित भारत 2047 तक बनाने के लक्ष्य को इस बजट के माध्यम से हम और तेज गति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये विकसित भारत का जो बजट है ये इंक्लूसिव, इंपैक्टफुल और इनोवेटिव बजट है। इसमें विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पर नजर रखते हुए 9 प्रायोरिटीज पर इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए 9 प्रायोरिटी थीम्स पर काम किया है। एक, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को बल देना, कैसे हमारे एमएसएमई सेक्टर को ऋण सरलता से मिल सके, 100 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए एमएसएमई को केंद्र सरकार एक विशेष गारंटी देकर उनको पर्याप्त वर्किंग कैपिटल लोन्स उपलब्ध हों। इसी प्रकार से मुद्रा लोन, हमारे युवा युवती जो अपना स्वयं रोजगार अपने पांव पे खड़ा होने चाहे उनको मुद्रा लोन अब 10 लाख सीमा शुल्क के बदले 20 लाख कर दिया गया है। इसी प्रकार से 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन सेंटर्स खोले जाएंगे। क्वालिटी के ऊपर आगे चल के देश में विशेष ध्यान रखा जाए जिससे उपभोक्ताओं को भी अच्छी क्वालिटी का सामान मिले, और कई बार जो विदेश से बहुत ही कम गुणवत्ता वाला सामान आता है उस पर भी हम रोक लगा सके। एक फोकस दिया गया है मेक इन इंडिया पर और मैन्युफैक्चर।